क्या सच में पेंसिल के छिलके और दूध को मिलाकर बनाया जाता है इरेजर? शायद मेरी तरह आपने भी बचपन में एक पतीले में दूध और पेंसिल के छिलके को लेकर ये सोचकर गर्म किए होंगे कि ये एक इरेजर का रूप ले ले। लेकिन भाई साहब, असलियत तो ये होती थी कि ये इरेजर तो छोड़ो, ढंग से चाय भी नहीं बनती थी और साथ ही हमें मम्मी की डांट भी पड़ती थी। तो चलिए जानते हैं पेंसिल के लिखे हुए अक्षर को मिटाने वाला ये इरेजर फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों, नेचुरल रबर लेटेक्स से बनाया जाता है। ये एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला मिल्क होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासिलियनसिस के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तो इन पेड़ों को रबर ट्री भी कहा जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसकी स्पेसिफिक खेती केवल रबर को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। रबर के पेड़ों से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास प्रकार का कट लगाया जाता है, जिससे कि लेटेक्स लगाए हुए बर्तन में लगातार गिरता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे बर्तनों में दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उन सभी पतीलों में जमा हुए दूधों को एक बाल्टी में स्टोर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर दूध से रबर को निकालने के लिए ठीक वैसा ही तरीका अपनाते हैं जैसे कि हम गाय के दूध से पनीर को निकालने के लिए दूध में नींबू के रस को डालते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लेटेक्स मिल्क में नींबू के रस की जगह इसमें फार्मिक एसिड डालते हैं और इस लेटेक्स से भरे बर्तन को 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। करीब 12 घंटे बाद कोएगुलेशन प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाती है और एक रबर की मोटी सी लेयर ऊपर की ओर तैरने लगती है। तो अब हमारा बन चुका है नेचुरल रबर। अरे रुकिए रुकिए, क्योंकि अभी इस रबर पर कुछ और भी प्रोसेस होना बाकी है जिसे देखना आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। दोस्तों, अभी ये नेचुरल रबर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो अब इस रबर को हार्ड इरेजर में बदला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले तो इन सिंथेटिक रबर को इन दो बेलनों से होकर कई बार गुजारा जाता है ताकि रबर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होकर पिस सके। तो अब इस रबर में रियूज व पुराने इरेजर के टुकड़ों को भी डाला जाता है जिससे कि इस रबर का रंग पुराने रबर के रंग जैसा गुलाबी हो जाता है। अब अगले प्रोसेस में इस रबर को और हार्ड बनाने के लिए इसमें दो तरह के सल्फर पाउडर को डाला जाएगा और बच्चों के डिमांड के मुताबिक इसमें कुछ कलर्स को भी मिक्स किया जाता है। और अब इस रबर को इस रोलर से कई बार गुजारने के बाद इनको फिर से बेलनों के बीच से गुजारा जाता है ताकि इसमें डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और रबर भी ठोस हो जाए। तो अब ये रबर बिल्कुल ठोस हो चुकी है, तो इसलिए अब इस सीट पर से चौकोर भाग काट कर अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर इस रबर सीट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए इसको मेटल फ्रेम में रख कर इस कंप्रेसर मशीन में हाई कंप्रेसर पर कंप्रेस किया जाता है। ज्यादा दबने के वजह से फ्रेम के अंदर के रबर का डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए ये काफी ज्यादा ठोस भी हो जाता है। और फिर इस गर्म रबर के सीट को फ्रेम से निकालकर पानी में रख दिया जाता है। इसके बाद इन सीट्स को लंबे लंबे स्टेप्स में कट कर दिया जाता है। अब इनको और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ब्लू कलर के रबर स्टिक्स को भी पिंक स्टिक्स के साथ मिलाया जाता है। दोनों कलर्स के रबर को रखने के बाद यहाँ इसे हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है। फिर लगभग आधे घंटे के बाद इन रबर्स को बाहर निकाल दिया जाता है और उन रबर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोनों कलर्स के जुड़े तैयार इरेजर पानी में डाल दिए जाते हैं। तो फाइनली अब यह मशीन इन लंबे कटे हुए इरेजर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और साथ ही इसके ऊपर कंपनी के नाम की ब्रांडिंग भी की जाती है। तो भाई साहब, कुछ इस तरह से बन जाती है हमारी पेंसिल के मिस्टेक्स को मिटाने वाली इरेजर। बचपन में आप पेंसिल के मिस्टेक्स को बिना इरेजर के कैसे मिटाते थे, हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर ले। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपके सामने दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।